बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंजाब में नए कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की तैयारी में पार्टी है। पंजाब में नए कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखिए अब यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सबकी बड़ी जानकारी मिल रही है कि पंजाब में नए कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की तैयारी में पार्टी है। और ऐसे में ये मैसेज साफ तौर पर आलाकमान की तरफ से दे दी गई है कि वो अब नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करने वाले। और चलिए इसी से जुड़ी एक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, झारखंड को पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो साफ है कि सिद्धू का पार्टी से जाना तय है। यानी कि सुनील जाखड़, देखिए क्योंकि लगातार ये पहले कहा जा रहा था कि जाहिर सी बात है वो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सीएम के जो रेस चल रही थी उसमें उन्हीं का नाम सबसे आगे था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये जानकारी मिली कि जाखड़ को पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हितेन लगातार हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू का पत्ता लगभग साफ होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जाखड़ को पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, देखिए आलाकमान ने मूड बना लिया है कि सिद्धू को मनाने की कोशिश जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार जो है वो सिद्धू ने इसी तरीके ड्रामे बखाड़े जो है पार्टी के अंदर खड़े किए थे, एक के बाद एक बार लगातार जो है आलाकमान उसे मनाने की कोशिश करती रही। लेकिन अब इस बार भी अगर मना लेती है तो फिर आखिरकार 4 महीने बाद जब चुनाव करीब आएगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा, उस दौरान सिद्धू फिर एक बार नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि आपने मेरी नहीं सुनी, मेरे कहने पे टिकटों का बंटवारा नहीं किया। इसीलिए आलाकमान ने मन बना लिया है कि इतने लालची आदमी को हमने पद देकर सब देकर हमने गलती कर दी, अब हाईकमांड अपने कहने पर अपने खुद के इशारे पर जो है काम करने वाले व्यक्ति को ही आगे बढ़ाएगी। और वो मुख्यमंत्री उन्होंने चुन लिया है जो आलाकमान के इशारे पर चल रहा है। दूसरी ओर अब प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया की जाएगी। सुनील जाखड़ की बात करें तो सुनील जाखड़ एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे जो आलाकमान के भी सुनते थे और साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व में भी सबको साथ लेकर चलते थे। भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जो आनातानी लगातार विवाद बढ़ता रहा, लेकिन सुनील जाखड़ एक ऐसे लौते नेता थे जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब दोनों को साथ में लेकर चलते थे। तो इसीलिए सुनील जाखड़ से बेहतर नेता जो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। सवाल यहाँ पर यह है कि जो वीडियो संदेश सिद्धू का आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ दागी लोगों को, करप्ट लोगों को शामिल किया गया, ये बात वो कह रहे हैं, सच के लिए मैं लड़ता रहूंगा, अगर सच पर आंच आएगी तो उससे मैं टकराने के लिए भी तैयार हूं, ये बात साफ कर रहा है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर या फिर जो सरकार वहां पर चल रही है उसके अंदर करप्शन कितना है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष ही उठा रहा है जिसका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए विपक्ष कह रहा है फ्लोर टेस्ट कराइए, पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, ये बात सही है कि अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे, इसीलिए सवाल खड़ा कर रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू जानते हैं कि वो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके, इसीलिए वो कांग्रेस को डैमेज कर रहे। बस वो ऑप्शन तलाश रहे कि आखिरकार पंजाब में सिद्धू की उंगली कौन थामेगा। देखिये आम आदमी पार्टी भी जो है सिद्धू की उंगली थाम सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं थाम सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सरकार बनाने का चांस है लेकिन चेहरा नहीं है। ऐसा बड़ा जट सिख चेहरा जो है आम आदमी पार्टी सालों से तलाश रही है, तो हो सकता है कि सिद्धू जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग दलों के संपर्क में हो, इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज करके कांग्रेस को छोड़ने की तैयारी कर रहे हो। ये मैसेज तो इतना साफ साफ बता रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके पूरी तरह। बस किसी भी पार्टी के साथ सिद्धू की डील हो जाएगी तो सीधे तौर पर करप्शन के मुद्दे को उठाते हुए 4 महीने तक सरकार को घेरा जाएगा और उसके बाद नई सरकार बनाने की तैयारी वो जिस भी दल में होंगे उसके साथ करने की वो तैयारी करते नजर आ रहे हैं।